ओशो धाम माता जी दे आश्रम हयातपुर विखे लोगों नूं योग साधना राही परमात्मा दे मिलन दा मार्ग दिखाने लई एक दिना साधना कैंप दा आयोजन किया गया। इस मौके उचेचे तौर ते पहुंचे आचार्या मां ध्यान शून्यो ने कैंप च आईआं होईआं संगतां नूं मैडिटेशन योग साधना दे वक्ख-वक्ख पड़ावां दी जानकारी देण दे नाल नाल उन्हां दा बखूबी अभ्यास भी करवाया। इस मौके गल करदिया मां ध्यान ने कहा कि साधन नाल असी अपने मन दीआं इंद्रियां ते काबू करके अपने अंदरले विकारां दा नाश करदे होए असल शांति दी प्राप्ति कर सकते हाँ, जो कि जिंदगी दा एक अजिहा खूबसूरत अहसास ते परम सुख है जिस च असी अपने आप नूं जाण सकते हाँ कि मैं असल च कौन है। उन्होंने कहा कि जिंदगी च साडे आले दुआले बहुत कुछ घट रहा अते साडे अंदर जा रहा, कदे असी सुख ते कदे दुख च डामाडोर हुंदे हन, पर इस मनुखी शरीर ते आत्मा दा असल मिलन सहयोग साधना नाल ही संभव हुंदा है। जो इंसान यह साधन अपनांदा है दुनिया के हर सत्ता का त्याग करके अपनी मन की सत्ता ते काबू पा लैंदा है। मेरा पंजाब न्यूज़ लई प्रदीप तिमान की रिपोर्ट। एक्चुअली हम जो अपना होना है वो सिर्फ एक आयाम जानते हैं कि हम शरीर हैं, क्योंकि स्थूल रूप में हम अपने शरीर को ही महसूस कर सकते हैं और वो उस मूरत को कह लो, क्योंकि स्थूल है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है आता है, इससे आगे हम कुछ भी नहीं जानते। यही हमारा होना, यही हम जानते हैं। जैसे जैसे हम अपनी सत्ता को जानते हैं, सत्ता मतलब दूसरा आयाम ले लें हम, जैसे मन हमारा जो कि विचारों का संग्रह है। विचार कहाँ से आए? हमने आसपास देखा, जैसे जैसे हम बड़े हुए अपने माता पिता से सीखा, अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से और पुस्तकों से, और आजकल तो बिल्कुल ही छोटे बच्चे नेट से, है ना, गूगल को ही अपना सब मानते हैं, माँ बाप सब, है ना, सब जो ये ज्ञान हमारे भीतर जा रहा है, इस सभी विचारों का, ज्ञान का संग्रह हमारा मन, और मन से कुछ आगे हम देखें कि हमारी भावनाएं, है ना, कभी हम सुख में डोल रहे, कभी दुख में डोल रहे, कभी मैत्री कभी घृणा, है ना, ये सब जो हमारे कह लो कि हृदय के तल पे हमारी भावनाएं, तो उससे आगे हमारी स्वयं की जो सत्ता है अमूर्त, है ना, इन दोनों के पार हमारा होना। ये मनुष्य को ही इतना बुद्धि मिली, विकास हुआ कि हम उसे भी जान सकते, उसका बोध भी हमें हो सकता। गुरु नानक देव जी, हम कहें भगवान कृष्ण, महात्मा बुद्ध, महावीर, सब साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लिया और खुद की सत्ता को उन्होंने जाना, है ना। तो उस चैतन्य को जान के ही कोई भी तृप्त हो सकता है, संतुष्ट हो सकता है, परम आनंद को पा सकता है, और प्रेम भी अपार हमारे भीतर जो हम अनुभव कर सकते हैं, अपने भीतर जाके ठहर के डूब के अपनी गहराइयों को। तो यही हमारी छोटी सी कोशिश।